नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टूर पे। दोस्तों मैं हूँ थाईलैंड के पात्या सिटी में। यहाँ अभी संक्रांत फेस्टिवल चल रहा है जो कि बिल्कुल हमारे इंडिया के होली जैसा है। बस फर्क ये है कि हम लोग होली रंग से खेलते हैं और ये लोग पानी से खेल रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड का ये फेस्टिवल हर साल अप्रैल 13, 14 और 15 तीन दिन मनाया जाता है। संक्रांत थाईलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लोगों का मानना है कि आज से पुरानी और बुरी एनर्जी इस पानी से धुल जाएगी और आज से एक नया दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत होगी। आज सभी अपने घरों से बाहर आएंगे और एक दूसरे पर पानी फेंकेंगे, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। तो दोस्तों आइए इनके साथ मिलकर हम भी थोड़ा इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ये भाई साहब बहुत सूखे सूखे जा रहे हैं। आज के दिन कोई नहीं बचेगा, चाहे आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो या कहीं जा रहे हैं। थोड़ा लड़कियों के साथ भी खेलते हैं। दोस्तों अगर ये लोग अभी हमारे भारत में होती तो एक दो जो गिरा सारा लगा तो बोल ही दिए। दोस्तों तीन दिनों तक यहाँ कोई भी आपको सूखा नहीं दिखेगा। जब एक बार आप भी भींग जाए तो कुछ मत सोचिए, बस पानी के इस युद्ध भूमि में चलते जाइए। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा इस फेस्टिवल की मस्ती कम नहीं बल्कि और बढ़ती ही जाएगी। मुझे इस फेस्टिवल की एक बात सबसे अच्छी ये लगी कि इसमें लड़के लड़कियां, यहाँ के लोकल्स फॉरेनर सब मिल के बिना किसी संकोच बिना किसी डर के ये फेस्टिवल मना रहे हैं। कोई किसी के ऊपर किसी तरह का केमिकल कीचड़ या मिट्टी नहीं फेंकता। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक दूसरे के साथ पानी खेल रहे हैं, नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। दिन भर पानी खेलने के बाद ये फेस्टिवल रात में नाच गाने और ओपन पार्टी में बदल जाता है। रात को भी लोग सड़कों पर नाचते गाते पार्टी मनाते नजर आए। तीन दिन और तीन रात इस फेस्टिवल की मस्ती यूं ही चलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जगह। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।